नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का प्रधानमंत्री होने के बावजूद नरेंद्र मोदी आज भी अपनी मां के लिए समय निकाल ही लेते हैं, और शायद ही ऐसा कोई जन्मदिन रहा होगा जब वो अपनी मां से मिलने नहीं गए होंगे। अक्सर अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लेने के लिए गुजरात के वडनगर जाने वाले पीएम मोदी इस बार 18 जून को अपनी मां का 100वां जन्मदिन मनाने के लिए गुजरात गए हुए थे। यूं तो पीएम मोदी इस तरह से कई मौके पर अपनी मां से मिलते रहे, लेकिन इन मुलाकातों के दौरान एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जब भी पीएम मोदी अपनी मां से मिलने जाते हैं तो उनका बाकी का परिवार क्यों नहीं दिखता। इस सवाल का जवाब आखिर अब मिल ही गया है, और ये जवाब दिया है खुद पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने। जरा सोचिए, अगर आपका कोई रिश्तेदार मंत्री या विधायक ही बन जाए तो आप कितने भौकाल से रहते होंगे, लेकिन जिसका भाई देश का प्रधानमंत्री हो और इसके बावजूद वो किसी आम इंसान की तरह रहता हो तो उसका नाम है प्रहलाद मोदी, जिनके भाई नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे। लेकिन प्रहलाद मोदी आज भी अपनी पुरानी दुनिया में जी रहे और एक राशन डीलर के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए अपना परिवार चला रहे। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि जब से पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इन 8 सालों में प्रहलाद मोदी की उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। ये बात खुद प्रहलाद मोदी ने उस वक्त बताई जब वो मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। राशन डीलरों की समस्या को लेकर धरना देने दिल्ली आए प्रहलाद मोदी ने इसी दौरान ये भी बताया कि जब पीएम मोदी अपनी मां से मिलने के लिए घर आते हैं तो परिवार का बाकी सदस्य मां के साथ क्यों नहीं दिखता। एनबीटी ने जब प्रहलाद मोदी से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने बताया, नरेंद्र भाई बार बार बोल रहे हैं परिवारवाद से दूर रहो, उसका पहला चरण ही यही है कि मैं मां को मिलने जाऊंगा तो मेरा परिवार दिखाई नहीं देगा। इस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और हम उनको अनुमोदन देते हैं। हम कभी आग्रह नहीं करते कि भाई आया है तो मैं भी खड़ा रहूं। हम परिवारवाद मानते नहीं हैं, इसीलिए तो हम जंतर मंतर पर राशन दुकान चलाने वालों के साथ धरना करने वाले। भाई का नाता तो रहा ही नहीं, परिवारवाद से तो वो दूर है। अपने भाई पीएम मोदी से मुलाकात के सिलसिले में प्रहलाद मोदी ने बताया, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनसे 3 बार मुलाकात की। 2 बार तो संगठन के नाते गया था गुजरात के मुख्यमंत्री से मिलने, और 1 बार भाई ने मुझे बुलाया था, उस टाइम मैं भाई को मिलने गया था। 3 बार गया, उनमें से भाई से मिलने बस 1 बार गया, और 2 बार तो मुख्यमंत्री से मिलने गया। जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो 1 बार भी नहीं मिला हूं, और इच्छा भी नहीं है कि मिलूं। मैं जाकर पूछूंगा क्या? मैं तो इतना ही पूछूंगा, भाई कैसे हो, तबीयत कैसी है। आज वो इंसान इतना बड़ा हो गया है जिसके पास दुनिया की चिंता है, हम जाकर क्या उसका टाइम बिगाड़ने के बारे में सोचे। जिसका भाई गुजरात जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका और अब भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री हो, उस प्रहलाद मोदी के ये बयान बता रहे हैं कि पीएम मोदी भले ही आज बड़े पद पर पहुंच गए लेकिन उनका परिवार आज भी सादा जीवन गुजारता है। माँ किसी महल में नहीं बल्कि उसी पुराने घर में रहती है जहां मोदी ने अपना बचपन गुजारा था, जबकि भाई प्रहलाद मोदी आज भी राशन डीलर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और अपने संगठन के हित के लिए वो लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए अपने भाई की सरकार के खिलाफ धरना देने से भी नहीं हिचकते। प्रहलाद मोदी कहते हैं कि उनका काम धंधा राशन डीलर का है और वो डीलर एसोसिएशन के मुखिया भी हैं, इसीलिए राशन डीलरों के हित की बात करना उनका भी कर्तव्य बनता है।